साथियों, ये डिक्टेशन 55 शब्द प्रति मिनट की गति से है, जिसका समय 5 मिनट का है। स्टार्ट। मैं इसे एक पुण्य कार्य मानता हूँ। सरोजनी देवी ने मुझे बताया कि यहाँ इस सप्ताह में 30 सम्मेलन होने वाले हैं और इनमें से बहुत से सम्मेलनों में मुझे सभापति पद ग्रहण करने के लिए कहा गया है। मैंने अपनी व्यवस्था प्रकट कर दी है, क्योंकि मैं अपने को केवल इस स्वदेशी प्रदर्शनी का उद्घाटन करने को योग्य मानता हूँ। मैं हिंदू मुस्लिम एकता का पक्षपाती जरूर हूँ, परंतु यदि उसमें खद्दर को स्थान नहीं दिया जाएगा तो मैं उसे भी स्वीकार न करूँगा। मैं केवल खद्दर का स्वप्न देखा करता हूँ। मैंने प्रदर्शनी खोलने की जिम्मेदारी उसी समय ली जब जवाहरलाल ने मुझे इस बात का विश्वास दिला दिया कि इस प्रदर्शनी में कोई विदेशी चीज नहीं रखी जाएगी। मैं अपने 5 वर्ष के खद्दर संबंधी अनुभव के आधार पर यह कह सकता हूँ कि हमने पर्याप्त प्रगति कर ली है। शुरू में जो लोग खद्दर की टोपियां पहनते थे, लोग उन्हें खद्दरधारी समझ लेते थे, पर अब वह बात नहीं है। ऐसे लोगों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है जो पूरी तौर पर खद्दर पहनते हैं और दूसरा कपड़ा पहनते ही नहीं हैं। बहुत से लोगों ने खद्दर के प्रति सहानुभूति दिखाई और प्रतिज्ञा भी की, परंतु खद्दर पहनते नहीं। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? लोगों ने अपनी प्रतिज्ञा नहीं पूरी की, इसीलिए एक वर्ष के अंदर स्वराज्य नहीं प्राप्त कर सके। आज भी मैं पूरे विश्वास के साथ यकीन दिलाता हूँ कि यदि आप सब देशी और विदेशी मिलों के कपड़ों का पूरा बहिष्कार कर दें तो
एक वर्ष से भी कम समय में हमें स्वराज्य मिल सकता है, उन्होंने अंत में कहा। मैंने तो अपने हस्ताक्षरों का भी मूल्य निर्धारित कर रखा है।